गया यार कि मेरी मस्जिद तेरा मंदिर ये कैसा बंटवारा है, मेरी मस्जिद तेरा मंदिर ये कैसा बंटवारा है, एक ही देश है एक ही मुल्क एक वतन हमारा है, मेरी मस्जिद तेरा मंदिर ये कैसा बंटवारा है। चलना नहीं है तो सुनिएगा, ये बहुत अच्छा है। रातों के अंधेरे और दिन के उजाले की बात करता है, रातों के अंधेरे और दिन के उजाले की बात करता है, मेरे देश का भूखा बसने वाले की बात करता है, कि रातों के अंधेरे और दिन के उजाले की बात करता है, मेरे देश का भूखा बसने वाले की बात करता है, और डरता है सहमता है और घबराता है, डरता है सहमता है और घबराता है, और ये बेबस बस अपने हवाले की बात करता है, रातों के अंधेरे और दिन के उजाले की बात करता है। भाई सिंगार सिंगार आप बहुत अच्छा सुना दो, मैं मगर दूसरा सिंगार दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अपन लोग होते क्या हो दिखाते क्या है। ये सुनिएगा कि सिंगार कुछ इस तरह का कर रखा है हमने, चेहरे पे पोड़ रहा झूठ का मल रखा है, कि सिंगार कुछ इस तरह का कर रखा है हमने, चेहरे पे पाउडर झूठ का मल रखा है हमने, और सच दिख नहीं पाए इसलिए लगा रखा है आंखों पे चश्मा फरेब का, और कानों पे भी हाथ धर रखा है हमने, सिंगार कुछ इस तरह का कर रखा है हमने, चेहरे पे पाउडर झूठ का मल रखा है हमने। किसका अच्छा चश्मा नहीं आपके लिए नहीं था, ये आपका नजर का है। अब तो बेवफा भी वफा का नकाब चढ़ाए बैठे हैं, ये उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, हाँ समझ जाओ बस इशारा खा की समझदार को इशारा बच्चों को भरा, कि अब तो बेवफा भी वफा का नकाब चढ़ाए बैठे हैं, जुल्म करते हैं मुफलिसों पे, खुद को रहनुमा बनाए बैठे हैं, कि अब तो बेवफा भी वफा का नकाब चढ़ाए बैठे हैं, जुल्म करते हैं मुफलिसों पे और खुद को रहनुमा बनाए बैठे हैं, और दिल दुखता नहीं इनका हमारे सीने में खंजर डालने से, और जमाने को दिखाने के लिए आंसू बहाए बैठे हैं, कि अब तो बेवफा भी वफा का नकाब चढ़ाए बैठे हैं। और बहुत सारे लोगों ने बच्चियों को सुनाया, उनको सुनाया, मैं भी सुनाना चाहता था मगर बहुत ज़्यादा होगा, मैं छोटी सी सुना के जाऊँगा, मासूम मिलते जा बच्ची अपनी माँ की कोख में से माँ से क्या कहती सुनेगा, कि अब मुझे कोख में ही मर जाने दो ना माँ, बाहर भेड़ियों का झुंड बैठा है, क्या मुझे कोख में ही मर जाने दो ना माँ, बाहर भेड़ियों का झुंड बैठा है, सुना है वो बच्चियों को नोच रहे मार रहे हैं, इस मौत से तो वो मौत अच्छी होगी ना, अब मुझे कोख में ही मर जाने दो ना माँ, बाहर भेड़ियों का झुंड बैठा है, और उन्हें मारने की हिम्मत माँ किसी की भी नहीं, वो कोई आम हो या हो नेता माँ, अब मुझे कोख में ही मर जाने दो ना माँ, बाहर भेड़ियों का झुंड बैठा है। भाई आपने कहा कि लोग लिख देते हैं और फेसबुक पे लो मीडिया पे और वो आता है, भाई वो जो अखबार जो मेरे घर में आता है ना, और ये खबरें जब मैं मेरी माँ को पढ़ के सुनाता हूँ या मेरी बीबी को सुनाता हूँ या मेरी बहन को सुनाता हूँ, तो उनका रिएक्शन देखिएगा, मैं आपके तक पेश करना रियान भाई, कि उनके चेहरे का आईना मुझे बताता है कितना दर्द है उनके दिल में, ये दिखाता है कि उनके चेहरे का आईना मुझे बताता है कितना दर्द है उनके दिल में, ये दिखाता है, वो भी परेशान है ये बात जानकर क्या हो रहा है नारी के साथ इस जहान में, कहीं उन्हें सताया कहीं मारा जा रहा, कहीं उनकी आबरू से खेला जा रहा, क्या कहीं उन्हें सताया कहीं मारा जा रहा, कहीं उनकी आबरू से खेला जा रहा, कि माँ की कोख में भी अब तो सुरक्षित नहीं नारी, वहाँ पे भी जीवन उनका हो गया भारी, क्यों छोटी छोटी बच्चियों को मारा जा रहा, क्यों औरतों को जिंदा जलाया जा रहा, वो भी परेशान है ये बात जानकर क्या हो रहा है नारी के साथ इस जहान, कि हर तरह की पाबंदी नारी पे क्यों लगी, क्या पहने क्या ना पहने सबकी आंखें टिकी, क्यों आगे बढ़ने से उन्हें रोका जा रहा, क्यों मासूमों का गला घोटा, आपको परेशान नहीं करूँगा जाते जाते मेरा वाला मेरी वाइफ के लिए यान भाई सिग्नेचर, कि ना जाने तू कौन सा इत्र लगाती है, ना जाने तू कौन सा इत्र लगाती है, तेरी खुशबू मुझ में से क्यों आती है।